अराजक तत्वों ने मंदिर से शिवलिंग तोड़कर शहर का माहौल खराब करने की थी कोशिश। एक ओर जहां कोरोना महामारी से दुनिया लड़ रही, वहीं अराजक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे लाल कुआं आज इसकी वानगी देखने को मिली है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर नगर स्थित मंदिर में बीती रात अराजक तत्वों ने शिवलिंग को उखाड़ कर फेंक दिया, जिससे लोगों में काफी रोष व्यतीत हो रहा। हालांकि लोग सहनशीलता से परिचय देते हुए कोतवाली लालकुआ को सूचना दी। कोतवाली संजय कुमार सूचना मिलते तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, मौके पर मुआयना किया। साथ ही मुख्य मंदिर के लगभग 30 किलोमीटर दूर फेंकी हुई शिवलिंग को पूरा स्थान पर स्थापित करवाया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर हिंदूवादी नेता कमल मुनि ने कहा कि अराजक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यदि शीघ्र ही अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो जनता आंदोलन करने को भी बाध्य होगी। इस अवसर पर उप निरीक्षक रोहिता सिंह सागर ने कहा कि ऐसे अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्राइम टीवी न्यूज चैनल के लिए उमेश राणा, लालकुआ, उत्तराखंड। हमें जानकारी मिली कि लालकुआ में जो है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जो है एक शिवलिंग को उखाड़ के फेंक दिया गया है। करीब 30 मीटर की दूरी पे वो शिवलिंग फेंका, ऐसा हमें जैसे पता चला। और हम यहाँ के क्षेत्रवासियों के द्वारा जैसी सूचना मिली, मैं आया यहाँ और मैंने देखा, सवेरे यहाँ आके देखा कि कोतवाल साहब आके उसको स्थापित कराए हैं। और हम लोगों ने यहाँ अभी एक तहरीर दे रखी है और हमने इनसे कह रखा है कि उनकी तुरंत जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी शिवलिंग जो है खंडित हो चुकी है और उसमें पूजा प्रतिष्ठा तभी करी जाएगी जब तक वो उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसा हुआ है। और अगर यह तुरंत गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो क्षेत्रवासी उस जगह पर धरना देंगे, सब लोग मिलकर धरना देंगे। हमने यह इन लोगों को कह रखा है कि इसलिए उनकी तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी करी जाए ऐसे अराजक तत्वों पर, और उन पर धराएं लगाकर जो है उनको गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि उनके द्वारा जो यहाँ का सौहार्द बिगाड़ने का काम करा जाता तो ऐसे लोगों को दंडित करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ वार्ड नंबर 1 में एक शिवलिंग को वहाँ से इसने हटा करके दूसरी जगह पर रख दिया था। इसके संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है, उस पर FIR पंजीकृत की जा रही है और हमने अपनी टीमों को वहाँ पर लगाया हुआ है। हम CCTV कैमरे चेक करा रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा या कोई इस तरीके की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाएगा उस पर जो है नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीमें लगी हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी मामले को वर्कआउट करेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।